आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। फिलहाल इसमें मौजूद हूं जय भारत मंडल में। आज यहां पर कार्यक्रम किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय चंडीगढ़ की तरफ से। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण लवादी जी पहुंचे हैं और यहां पर कार्यक्रम किया गया, इनसे बातचीत कर लेंगे। सर आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया यहां? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सर्द हवाओं के बीच में भी समय निकालकर हमारे पास यहां पे आके अभी जो है मार्ग बख्शा है। आपके जो है व्यूवर्स, आपके जो है दर्शक, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है केंद्रीय सरकार ब्यूरो चंडीगढ़ की तरफ से जय भारत मंडल हाउसी में जो है प्रदर्शनी लगाई गई थी। मैं शुक्रगुजार हूं साहब का कि इन्होंने यहाँ पे लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि कुछ ऐसी सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी नीतियां होती है जिन लोगों तक जो है पहुंच नहीं पाती और लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। यहाँ लोगों ने आकर प्रदर्शनी भी देखी, मनोरंजन भी किया और जहां इन लोगों को सूचना मिली है, मेरी सोच ये है कि ये लोग आगे जाके लोगों को बताएंगे। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। जन जन तक जब ये लोगों को पता चलेगा कि जो नीतियां सरकार की है, तो मेरे को ये लगता है कि हर आदमी लाभ उठा पाएगा। सर आज कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह स्कूल के बच्चे ही पहुंचे, उनकी तरफ से क्विज कॉम्पिटिशन भी किया गया, कुछ बच्चों ने प्राइज भी जिन बच्चों ने भाग लिया था और जो विनर हुए थे उनको शील्ड भी बांटी गई, उनको मान सम्मान भी दिया गया और बड़े बड़े खुशी की बात है कि बच्चों के अंदर इस तरह का उत्साह बढ़ता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम देख के भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। मैं तो अपनी सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इन लोगों का कार्यक्रम भी देखो, इंजॉय भी करो, साथ में जो जो नीतियां सरकार की तरफ से बनी हुई है जिनमें लोगों को लाभ मिल सकता है उसका लाभ भी उठाओ। फिलहाल ये थे नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण लवादी, आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और यहाँ पर क्विज कॉम्पिटिशन भी करवाया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाया गया, यहाँ पर सभी ने भाग भी लिया, कई बच्चों ने उनको प्राइज भी वितरित किया गया। और आपको बता दो ये प्रोग्राम 26 से 29 दिसंबर तक चलना है, अगर आप भी आना चाहें तो आप भी पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम की जगह बता दो, जय भारत मंडल में प्रोग्राम। फिलहाल इस वक्त वार्ड 8 के पार्षद है कुक्कू सरदार जी, उनसे बातचीत कर लेंगे। आपको बता दो ये वार्ड 8 से निर्विरोध पार्षद चुने गए थे, इनसे बातचीत कर लेते हैं आज कार्यक्रम के बारे में। सर क्या कहेंगे आज कार्यक्रम किया गया यहाँ? ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है, लोक हित के लिए है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है हम इससे बहुत संतुष्ट हैं और ऐसा चलता रहना चाहिए ताकि लोगों को प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो भी चीजें मिलती हैं उनसे अवगत कराया जाए। सर बताया जा रहा है 26-29 तारीख तक चलेगा, लोगों को कितनी जागरूकता देखने को मिलेगी? मैं तो मेरे वार्ड से ज्यादा आदमी भेजूंगा, औरतों को भेजूंगा, बच्चों को भेजूंगा कि आएंगे कुछ सीखेंगे। जो भी हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चला रखी है उनके बारे में उनको पता चल सके और वो ज्यादा ज्यादा लाभ उठा सके। सर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ, कैसा लगा देखने को, कैसा मिला? बहुत अच्छा, मनमोहक, और बच्चों ने जो मेडल जीते हैं वो भी बहुत अच्छे रहे। क्विज कॉम्पिटिशन भी करवाया गया सर, बताया जा रहा शहीद भगत सिंह स्कूल के बच्चे उनको भी प्राइज वितरित किए गए। हाँ बिल्कुल, वो खुशी हुई ना, बच्चों को तरक्की मिली, बच्चे आए जो मेडल लिए वो ज्यादा उत्साहित होंगे, वो अपने दोस्तों को कहेंगे, तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छा काम किया बहुत अच्छा किया। फिलहाल ये थे वार्ड 8 से पार्षद कुक्कू सरदार जी, निर्विरोध चुने गए थे। फिलहाल आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और आप देखते रहें दैनिक पाठक पक्ष। धन्यवाद।
Thank you.